जय हिंद दोस्तों, मैं सीए अभय वर्ण आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बहुत ही स्पेशल पर्सन पे लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ सीए राकेश झुंझुनवाला जी का। सीए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन थे, और स्टॉक मार्केट में वो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, आप सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफे या और इन्वेस्टर्स, लेकिन अगर उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न देखा जाए तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला जी, जो कि मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कंपनी का बात करेंगे तो एक इन्वेस्टर है वो भी उनसे आगे नहीं है, जस्ट 1% का एनुअलाइज्ड रिटर्न उनसे ज्यादा है, लेकिन वो कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। मैं आपको उनका पूरा हिस्ट्री बताने वाले हैं, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ तक वो पहुंचे, और अभी वो हमारे साथ नहीं है, वो हम सबको ऊपर से देख रहे हैं और इंडिया को ग्रो होते हुए वो देख रहे हैं। उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था 150 जब सेंसेक्स का प्राइस था, और आज सेंसेक्स का प्राइस जो अभी रिसेंट लाइफ टाइम हाई लगा था वो 67,000 प्लस लगा था। तो आप इसका भी अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न देखिएगा सीएजीआर में तो 17% से ज्यादा का सीएजीआर सेंसेक्स दिया है, लेकिन उनका जो सीएजीआर है वो 65% का सीएजीआर है, मतलब वो हर साल 65% से अपना पैसा ग्रो किए हैं, तो ये उनको बनाता है दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर। तो आज चलिए आज उनका हम पूरा समरी देखेंगे, उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था, कहां से उनका इंटरेस्ट जागा, कहां से उन्होंने फंड लिया था, और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और उनके ट्रेड को क्यों ट्रेड ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है, ट्रेड ऑफ द सेंचुरी, नॉट जस्ट ईयर, ट्रेड ऑफ द डिकेड, ट्रेड ऑफ द सेंचुरी, मतलब 100 साल में ऐसा ट्रेड आपको एक बार देखने को मिलेगा। तो सारे चीजों का हम चर्चा करेंगे, पहला प्रॉफिट उन्होंने कहां बनाया, सबसे बड़ा प्रॉफिट कहां बनाया, उनका कहां कहां होल्डिंग है, अभी किस किस कंपनी में होल्डिंग है, सब चीज हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड इन डिटेल। तो आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूं। ऐसा मैं नहीं जानता हूंगा किसी को जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो स्टॉक मार्केट को जानते हो और वो राकेश झुंझुनवाला जी का नाम नहीं जानते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, 1.25 स्पीड पे आप कर सकते हैं, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। अगर हम बात करें, आप यहां पर आप देख सकते हैं, एट 62 CAGR ओवर 37 ईयर्स, राकेश झुंझुनवाला इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड एवर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये देवाशीष बासु जी कह रहे हैं, आप इनको जानते होंगे, स्कैम 1992 जो सीरीज है, वेब सीरीज है, वो इन्होंने और इनकी वाइफ सुचेता दलाल जी ने मिलके लिखी थी, ठीक है। तो ये वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, वो 5,000 रुपए से स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो 5,000 से स्टार्ट किए थे 1985 में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, और वो 50,000 करोड़ जब वो डेथ के उनके पहले डेथ के पहले उन्होंने मतलब 2022 में वो उनका डेथ हुआ था, 14 अगस्त को वो हमारा स्वाद छोड़ दिए थे, ठीक है, और अभी ऊपर से देख रहे होंगे इंडिया को ग्रो होते हुए, तो उनका डेथ जो नेटवर्क था वो 50,000 करोड़ हो गया। तो सीएजीआर 37 साल में कितना हो गया, 65% का, ठीक है, तो इतना बड़ा इनका रिटर्न है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि इनसे सक्सेसफुल कोई नहीं है, जो जितने भी इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो चाहे आप वॉरेन बफे का नाम सुनिए, चाहे आप जॉर्ज सोरस का नाम सुनिए, ठीक है, स्टैनली का नाम सुनिए, इन लोगों का भी रिटर्न जो है 20-30% के बीच में ही रहता है, मतलब 20-30% अगर आपका सीएजीआर है तो आपको वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाएगा। और इवन राकेश झुंझुनवाला जी ने भी कहा था कि अगर हम 18% रिटर्न ले लेंगे तो हम किंग है, और 21% रिटर्न ले लेंगे तो हम एम्पायर है, ठीक है, हम अगर 21% और सीएजीआर टारगेट रखते थे 18-21%, और उन्होंने जनरेट किया 65%। तो आप देख सकते हैं, टारगेट स्मॉल कीजिए और अचीव बड़ा कीजिए, ठीक है, ऐसा ही स्टार्टिंग में आपको ये नहीं कर लेना कि एक बार टारगेट इतना पहाड़ कर लें कि आपको दिखे ही ना उसके पीछे, ठीक है, और वो भी अचीव ना हो, आप होपलेस होके उस टारगेट को बीच में ही छोड़ दें, ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना है, टारगेट को आप रीजनेबली सेट कीजिए, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, रीजनेबल सेट कीजिए, जितना अचीवेबल है। सेंसेक्स जैसे रिटर्न दिया है 37 ईयर्स में वो 17%, तो वो 18-21% का टारगेट रखते थे और अचीव किए 65%, वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है, हम लोग भी उसी के तरफ अग्रसर हैं, आप भी उनसे सीखिए और उतना बड़ा बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है, अगर उनका 5% भी हम लोग अचीव कर लिए तो हम लोग काफी आगे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता होगा कि उनके पास काफी पैसा होगा, स्टार्टिंग में उनको काफी पैसा मिल गया होगा, उनके फैमिली रिच बैकग्राउंड से होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, उनके फादर जो थे वो एक इनकम टैक्स में
इनकम टैक्स इम्प्लॉय थे, ठीक है, और वो उनको पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, वो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 5,000 से स्टार्ट किए थे। जब उनको स्टॉक मार्केट में रुचि कहां से आया, स्टॉक मार्केट में उनका रुचि तब आया, अपने पापा को देखते थे, अपने पापा को बात करते हुए, ठीक है, उनके पापा स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो वो भी उनको भी रुचि आ गया, अपने पापा से बोले हमको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो उनके पापा मना कर दिए, सबके पापा मना करते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, बला 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 बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, तो उस समय मना हो गया। उनको क्या बोले उनके पापा कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में रुचि रखना है तो आप पढ़िए, पहले सीखिए, जो कि मैं खुद आपसे भी बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर रुचि है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप पहले सीखिए, जब आप सीखिएगा तब जाके ही आप अच्छा कीजिएगा। लर्न देन अर्न, ठीक है, पहले लर्न कीजिए देन रिमूव एल, ठीक है, उसका अर्न बच जाएगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने अपना शिक्षा हासिल किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको कटिंग एज मिल जाता है, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में रुचि है तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट करने चले जाइए, उससे आपको कटिंग एज मिलता है, आप नॉर्मल मार्केट भी सीख सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही खुले मिजाज के आदमी थे, उनका आप अगर इंटरव्यू अगर आप सुनिएगा पहले का भी, तो बहुत खुले मिजाज के आदमी थे वो, अक्सर मतलब अपने स्टॉक मार्केट को वाइफ से कंपेयर करते थे कि जैसे वाइफ हमेशा सुप्रीम होती है वैसे ही स्टॉक मार्केट हमेशा सुप्रीम है, ठीक है। और वो अपना जो पहला प्रॉफिट अगर हम बात करें, पहला प्रॉफिट जो बड़ा किए थे वो 1986 में किए थे, ठीक है, जब टाटा टी परचेज किया था, जैसे मैंने बोल रहा न्यूज पेपर वगैरह उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, न्यूज पेपर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, रीड न्यूज पेपर, तो उसमें उनको न्यूज पता चला कि बाहर में जो टी प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहां पर टी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने उस समय टाटा टी परचेज किया विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, मॉनसून से पहले। हम लोग का इंडिया का भी परफॉर्मेंस जो मॉनसून सेशन पे बहुत ज्यादा आधारित रहता था, क्योंकि हम लोग का जो जीडीपी का 60-70% हिस्सा है वो फार्मिंग से आता है, ठीक है, तो मॉनसून से। अब धीरे धीरे वो सर्विस सेक्टर पे तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पहले हम लोग मॉनसून इफेक्ट ज्यादा रहता था, तो उस समय उन्होंने देखा कि टी प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वहां पर टी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, उन्होंने टाटा टी उस समय परचेज किया। आप बिलीव कीजिए 33 पे परचेज किया था उन्होंने, 43 पे परचेज किया था 5,000 से टाटा टी का, ठीक है, और विद इन 3 मंथ वो 143 हो गया, ठीक है। और उस साल उस इन 3 इयर्स जो 5,000 से इन्वेस्टमेंट किए थे, ऐसे ही न्यूज पेपर पढ़ के, ऐसे ही वो रिसर्च करके, ऐसे ही एनालिसिस करके, वो 20 से 25 लाख रुपए फर्स्ट 3 इयर्स में उन्होंने कमाया था। तो वहां पर भी आप उनका अगर सीएजीआर रिटर्न कैलकुलेट कीजिएगा तो दैट्स ह्यूज, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी 5,000 लगाइए और आप भी 5,000 से 25 लाख 3 साल में एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। उस समय मार्केट का वैसा सिचुएशन था, उस समय वैसा मार्केट का माहौल था, अभी वैसा नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारा सिस्टम में आपको न्यूज इन्फॉर्मेशन तुरंत फ्लो होता है, तो उतना मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, उतना मतलब सस्ता स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी के टाइम पे बहुत कम है। आपको बहुत उसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था, और आप उनका ट्रेड ऑफ द सेंचुरी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वो बहुत सारे बोर्ड्स कंपनी भी फॉर्म किए, हंगामा डिजिटल आप जो नाम सुनेंगे वो भी उनका फॉर्म किया हुआ कंपनी है, ठीक है, वो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ उन्होंने मिलकर बनाया था। अकाशा एयर अभी रिसेंटली लॉन्च्ड एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया था। एक प्राइवेटली ओन्ड इन्वेस्टमेंट फॉर्म है रेयर इंटरप्राइजेस, जो उनके नाम और उनके वाइफ के नाम के इनिशियल से बन के बना है। उनके वाइफ का नाम है रेखा झुंझुनवाला जी, ठीक है, तो उनके नाम से वो बना है, ठीक है। वो मूवी भी प्रोड्यूस की है, आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश मूवी आप देखे होंगे, श्रीदेवी जी का मूवी है, या आप की एंड का देखे होंगे, करीना कपूर एंड अर्जुन कपूर का मूवी है, ठीक है, समिताभ अमिताभ बच्चन का मूवी है, ठीक है, धनुष का मूवी है, ये उन्होंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज उनका फैक्ट है। वो मतलब डोनेशन वगैरह भी काफी करते थे, ठीक है, तो उनका, और ये ओपन सपोर्टर थे नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके ये ओपन सपोर्टर थे, ठीक है। तो ये सब उनका एक बेसिक बैकग्राउंड है, फैक्ट्स वगैरह और भी आपको मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कॉस्ट एयरलाइन, ये उन्होंने अगस्त 2022 में लॉन्च किया था, ठीक है, और इनका जो डेथ हुआ था 14 अगस्त 2022 को डेथ हुआ था, ठीक है। अब इनका अगर होल्डिंग का बात करें, होल्डिंग तो इन्होंने अभी 26 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इनका होल्डिंग है कहां पर, टाइटन कंपनी, उसके बाद स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स, मेट्रो ब्रांड्स, क्रिसिल, कैनरा बैंक, एनसीसी लिमिटेड, इंडियन होटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, नजारा टेक्नोलॉजी, एपटेक, जुबिलेंट फार्मोबा, रैलिस इंडिया, जुबिलेंट इनग्रेविया, वाटेक वाबाग लिमिटेड, एग्रोटेक फूड्स, सर्म फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड, जियोजित फाइनेंशियल, इन जियोजित में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी थे, डीबी रियलिटी, वॉकडॉट, सिंगर इंडिया, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, इन इन कंपनीज में उनका होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसमें, तो टाइटन कंपनी में।
और आपको मैं बता दूं, ट्रेड ऑफ जो सेंचुरी है वो टाइटन कंपनी ही इनको रियल इन्वेस्टर बनाया, उनको मल्टीबैगर और वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया। आप बिलीव कीजिए, आपको क्या लगता होगा आप कमेंट करके बताइए, अभी टाइटन का जो प्राइस है वो 3262 है, ठीक है, अभी जो इसका प्राइस है 3262। आपको कमेंट करके हमको बताइए कि उनका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो कितना होगा, आप गेस करके हमको बताइए, आप कमेंट करके बताइए हमको। मैं आपको बता दूं, आप कमेंट कर दिए होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, उनका जो एक्चुअल प्राइस है वो 3 रुपीज का है, 3 रुपीज। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सही, 3 रुपए से अभी शेयर प्राइस 3262 रुपए, फ्रॉम 3 रुपीज टू 3262। आप CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं उसका, मैं आपको CAGR कैलकुलेट करना भी दिखा दे रहा हूँ, CAGR कैलकुलेट करना कि कितना रिटर्न हुआ, ठीक है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, ठीक है, 5000 से 50000 करोड़ का, वो 35 साल में अगर लिया जाए तो आपका 69% और 37 साल में अगर हम करें तो 64 point something, रफली 65% आ रहा है। और हम 3 रुपया का जो हम बता रहे हैं, 3 रुपया से लेके 3264, ठीक है, 3 रुपया से 3264 जो अभी उसका प्राइस है, और उन्होंने 2003-04 में इन्वेस्टमेंट किया था, तो रफली हम ले लेते हैं 20 इयर्स, ठीक है, तो ये 3 रुपए से 41.85 CAGR का रिटर्न दिया है इतने सालों में। आप कितना गुना इन्वेस्टमेंट हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 रुपया का 3264 रुपया हो चुका है, ठीक है, इतना उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा इन्वेस्टमेंट वो स्टार हेल्थ को प्रमोट किए थे, वो खुद कंपनी लॉन्च किए, तो उनका बनाया हुआ कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर उनका जर्नी आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी उनका जर्नी रफली अराउंड 39, जो नेटवर्थ है वो 39,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है, उनका होल्डिंग वैल्यू अभी ज्यादा ही हो गया, ठीक है। टाइटन कंपनी क्या करती है, मैं आपको अगर बोलिएगा ज्यादा डिटेल में बनाने के लिए, जैसे उनका होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कंपनी, आप जिस कंपनी पे बोलिएगा उनका होल्डिंग वैल्यू यहाँ पर है 15,000 करोड़, 5,936 करोड़, 3,238 करोड़, 2,850 करोड़, इस स्टॉक्स में इतना उनका होल्डिंग वैल्यू, मतलब इतना करोड़ इस कंपनी में लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो आप जिस कंपनी पे बोलिएगा मैं ज्यादा डिटेल में उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस इस कंपनी करती क्या है और उसका फाइनेंशियल क्या है। तो अगर हम बात करें टाइटन का, तो वॉच ज्वेलरी सनग्लासेस कंपनी बनाती है, आप सबसे इनसे नाम से वाकिफ होंगे, उनका ब्रांड है टाइटन, सोनाटा, तनिष्क, टाइटन आई प्लस, फास्ट ट्रैक स्किन, जाइलस, ये सब इनका कंपनी का काम है, ठीक है। और इनका होल्डिंग वैल्यू अभी 15,635 करोड़ है, ठीक है, और इसका पी रेशियो 90 का है, ठीक है, सेल्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ में है, ठीक है, जो 2020 में 21,000 करोड़ का अभी टीटीएम इसका 43,000 का हो चुका है, ठीक है, ईपीएस में कंटिन्यू ग्रोथ है, ठीक है, 16 से 36 तक हो गया। यहाँ पर मैं स्नैपशॉट आपको दे रहा हूँ, आप डिटेल में बोलिएगा आप किस कंपनी का एनालिसिस डिटेल में चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है, उस कंपनी का हम लोग एनालिसिस यूट्यूब पे ही अपलोड किया करेंगे, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अभी तक आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को तक शेयर कीजिए, जो ताकि जो स्टॉक मार्केट में मिथ है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है, वो उनको बताइए कि स्टॉक मार्केट में देखिए पैसा बन सकता है और बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, बस आपको जरूरत है तो सही गाइडेंस का, सही राह का, जहां चाह वहां राह, ठीक है, और एक बार आप सही राह पे पकड़ लीजिएगा तो आपका मंजिल जो है बहुत सुहाना मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस जरूरत है एक हैंड होल्डिंग का, हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको चलिए, आप यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस, ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और इनका मार्केट शेयर हेल्थ इंश्योरेंस में 15.8% है, ठीक है, और ये काफी रिटेल हेल्थ सेगमेंट में काफी एक्टिव रहती है, ठीक है। इनका पी रेशियो 49 का है और इनका भी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं 2020 के कंपेरिजन 2023 का करीब 3 times का ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, और ईपीएस भी 5 का था वो अभी पॉजिटिव हो गया 2022 में और 21 में निगेटिव हो गया था, लेकिन कोविड के चलते उसके बाद से ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, 10.63 का ईपीएस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर्स सबको ही परिचित होगा, टाटा में ही इनका फर्स्ट, टाटा टी में ही इनका फर्स्ट जो है मल्टीबैगर रिटर्न बना था, उसके बाद से टाटा ग्रुप से ये फैसिनेटेड थे, टाटा मोटर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कार, स्पोर्ट्स व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह बनाती है, डिफेंस व्हीकल भी बनाती है। इसका पी रेशियो 20 का पी रेशियो मार्केट कैप 2,27,547 करोड़ का है, सीएमपी अभी 621 है, ठीक है, और इसका अगर हम बात करें सेल्स तो आप देख सकते हैं सेल्स में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में ऑलरेडी कंपनी आ चुकी है 2023 में, अभी लॉस मेकिंग कंपनीज थी 2023 में प्रॉफिट में आ चुका है, ईपीएस अभी 7.27 पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। मेट्रो ब्रांड जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फुटवेयर और एक्सेसरीज वगैरह बनाती है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसका भी फाइनेंशियल देखिएगा तो फाइनेंशियल काफी अच्छा है, जो सेल्स 1285 करोड़ का था अभी वो 2127 करोड़ हो गया है, और ईपीएस जो 11.80 था वो 13.30 हो गया, ठीक है,
पी रेशियो 84 का है जो कि हाइयर साइड पे है, महंगा है ठीक है। होल्डिंग वैल्यू इसमें 2847 करोड़, 200,847 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्रिस्टल लिमिटेड रेटिंग एजेंसीज है ठीक है, इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी अर्ली किया था ठीक है। इसका भी फाइनेंशियल साफ देखिएगा तो काफी अच्छा है, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट काफी अर्ली स्टेज पे किया था। इसका पी रेशियो 47 का है, सेल्स अभी 2022 में 2769 का है। टीटीएम अगर आप देखिएगा लास्ट 12 मंथ का, ट्रेलिंग 12 मंथ, तो 2991 करीब 3000 का सेल्स है। केनरा बैंक में उनका इन्वेस्टमेंट है ठीक है, बैंकिंग स्टॉक है ठीक है, और गवर्नमेंट है। पी रेशियो सस्ता है, बुक वैल्यू से भी कम के आसपास में ट्रेड करता है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को, जो 2020 में नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव हो गया ठीक है। एनसीसी लिमिटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम करती है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में काम करती है, उसमें भी इनका होल्डिंग है 1256 करोड़ का। पी रेशियो इस कंपनी का 14.8 करोड़ का है। सेल्स आप देखिए इनका जो है, जो 2020 में 8901 करोड़ का था वो अभी 16,602 करोड़ का हो गया ठीक है। तो इसमें भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, ईपीएस भी करीब डबल हो गया, 5 to 10 हो चुका है ठीक है। इंडियन होटल जो होटल्स और रिजॉर्ट वगैरह में काम करती है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करती है, इसमें भी इनका होल्डिंग है 12,1229 और पी रेशियो अभी 56 के आसपास है। सेल्स इनका देखिए तो सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 4400 करोड़ से अभी 5800 करोड़ हो गया है, और ईपीएस 3 times का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 2.68 से 7.06 का हो गया ईपीएस ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर में इनका इन्वेस्टमेंट है, जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करती है, इसमें इनका होल्डिंग 1130 करोड़ का। पी रेशियो इसका 49 का है। सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ईपीएस भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मल्टीफोल्ड इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, 0.77 से 7.80 हो चुका है ठीक है। फेडरल बैंक में इनका होल्डिंग है ठीक है, जो एक बैंकिंग स्टॉक्स है, ऑनलाइन फी कलेक्शन वगैरह सब काम करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सारा सर्विसेज वगैरह देती है। इसमें भी इसका पी रेशियो 10 का है, होल्डिंग 1000 प्लस है ठीक है, और 13,000 जो सेल्स अर्लियर था वो आपका 17,812 हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स जो है ये अच्छा अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और काफी अर्ली स्टेज पे किए हैं ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस प्राइस पे वो आप एंट्री कर लीजिए, जो हम स्टॉक का चर्चा कर रहे हैं आपको बताना है कि आपके होल्डिंग में, मतलब आपके पहले से आपके पास कौन सा स्टॉक है जो आपके होल्डिंग में है ठीक है। तो मैं आपको दो चीज बोला हूं जो आप कमेंट करके बताएंगे। पहला तो आपको क्या टाइटन का पता था एंट्री प्राइस, दूसरा क्या आपके पास कौन कौन सा स्टॉक, जो 26 स्टॉक्स 26 स्टॉक मैंने मेंशन किया है जो इनका होल्डिंग है, उनमें से किस स्टॉक्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और थर्ड आपको बताना है कि हम आगे किस कंपनी पे डिटेल्ड में वीडियो बनाए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का आगे का ग्रोथ ट्रिगर क्या है, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हम लोग पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना के देंगे। आप जिस कंपनी पे बोलिएगा कि हाँ इस कंपनी पे नेक्स्ट वीडियो, और आप नेक्स्ट सीरीज में किस इन्वेस्टमेंट सुपरस्टार, जो सुपरस्टार इंडियन सुपरस्टार हो सकते हैं ठीक है, जैसे पोरिंजो वेलियात का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, राधा किशन दमानी जी, रेखा झुंझुनवाला जी, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, आप किस इन्वेस्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, उनका होल्डिंग, उनका जीवन का गाथा, उनका की फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना है, तो आप उनका भी नाम कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। टाटा कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का प्रोवाइड करती है, इसमें इनका होल्डिंग है ठीक है, इसमें इनका होल्डिंग है 1000 से कम, करीब 1000 का है। पी रेशियो इसका 34 के आसपास का, मार्केट कैप ये 53,000 करोड़ का है ठीक है, और ये भी पी जो ईपीएस इसका काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, 3 से -3 था और अभी 63.02 हो चुका है ठीक है, पॉजिटिव, तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स कुबोटा में जो ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी वगैरह ये सब प्रोवाइड करती है ठीक है, इसमें भी इनका होल्डिंग 577 करोड़ के आसपास का है ठीक है। नजारा टेक्नोलॉजी मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें इनका होल्डिंग 563 करोड़ के आसपास है, इसका पी रेशियो 1.7 का है और ईपीएस अभी 5.95 का है ठीक है। एपटेक कंपनी है ठीक है, जो बिजनेस वगैरह में कंटेम्पररी प्रोग्राम्स टेलर्ड फॉर इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड ठीक है, ये क्या आईटी में काम करती है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में काम करती है, ब्यूटी एंड वेलनेस एविएशन सेक्टर में, ये आईटी के तहत उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है ठीक है, इनोवेशन वगैरह करके, कस्टमाइजेशन वगैरह करके ठीक है। इसमें इनका होल्डिंग 516 करोड़ के आसपास का है ठीक है, और ईपीएस इसमें कंटिन्यू 5 times के करीब का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो जो कंपनी का आप पकड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे रिसर्च किए हैं कि उनका सारा कंपनी जो जो में इन्वेस्टमेंट है उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा कंपनी कोई नहीं मिल रहा है जिसमें हम लोग को डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
रहा है, तो क्या आप ऐसा एनालिसिस कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने मास्टर क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो आप मास्टर क्लास का मैंने ऑलरेडी बेसिक्स जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ही, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास अभय वर्ण सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा तो आपको सब चीज समझ में आएगा कैसे हम एनालिसिस करें और कैसे हम भी ऐसा जो अच्छा अच्छा कंपनीज है उसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बोलिएगा, मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में आपको मैं बता दूं वैसे, ठीक है, जुबिलेंट फार्मोबा है, ये सब कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, रैलिस इंडिया एग्रोवेस्ट कंपनी है, ठीक है, इनका भी इसमें 326 करोड़ का होल्डिंग है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारा कंपनीज है इसमें, जुबिलेंट इनग्रेविया है जो स्पेशलिटी केमिकल्स में है, ये फार्मा वगैरह, एनिमल न्यूट्रिशन वगैरह, ह्यूमन न्यूट्रिशन वगैरह, पर्सनल एंड कंज्यूमर केयर वगैरह में काम करती है, ये सब ऐसे स्टॉक्स में काम करती है। और आप देख सकते हैं हर कंपनी में ईपीएस इसका मतलब जो निगेटिव था वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। तो जैसे टर्न अराउंड हो रहा है या कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उस कंपनी को चुन चुन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, चुन चुन के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आप कैसे ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे ये सब कंपनीज पकड़ सकते हैं, उसको भी हम लोग मास्टर क्लास में कवर करते हैं। आपको भी वो पता होगा, आप मास्टर क्लास देख लीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं कीजिएगा तो आपको ऐसा जो इंस्पिरेशनल वीडियोस है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर दिखाइएगा कि देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, हमको बस राइट गाइडेंस का जरूरत है और राइट गाइडेंस हमको मिल रहा है, ठीक है। इस आप वाटिक बाबा गए, वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, और आजकल देख सकते हैं आप कि वेस्ट कितना निकल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट काफी जरूरी है। तो उस कंपनी का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और इसका भी आप ग्रोथ देखिएगा तो आप देखिए यहाँ पर इसका ईपीएस 16 के आसपास था, अभी ये 21 का हो गया था, अभी इसका एक घटा है वाटिक बाबा का, ठीक है। इसका हम आपको बोलिएगा तो डिटेल में भी एनालिसिस बता देंगे क्यों घटा है, क्यों घटा है, ठीक है, और क्यों इसका खर्चा आ गया, ठीक है। उसके बाद से अगर एग्रोटेक फूड्स कंपनी है जो फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स बनाती है, ठीक है, उसके बाद से इसमें भी होल्डिंग 164 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। उसके बाद से स्पार्क कंपनी है जो सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी है, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल में रिसर्च वगैरह काम करती है, ठीक है। तो ये सब इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, काफी कम होल्डिंग है, तो इसमें ज्यादा डिटेल का हमको चर्चा नहीं है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया किस किस कंपनी में इनका होल्डिंग है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एकदम बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट इन्वेस्टर का हम लोग का कौन सा होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टर का किस इन्वेस्टर पे हम वीडियो बनाएं उस पे आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको देखिए, जैसे यहाँ पर दिसंबर 2015 का हम लोग का डेटा पहले का है, टाइटन कंपनी में तो बहुत पहले अर्ली इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, जैसे आप कृषि हो गया, ठीक है, केनरा बैंक, इसमें कितना अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और कितना पैसा वो उन्होंने बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ पैसा बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक स्टार हेल्थ ले लेते हैं, ठीक है, स्टार हेल्थ चाहे वो तो रिसेंटली लिस्टेड है, हम टाटा मोटर्स या मेट्रो ब्रांड्स ले लेते हैं, ठीक है, मेट्रो ब्रांड जिसमें होल्डिंग ज्यादा है वो हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स, ठीक है, इसमें इनका होल्डिंग है, ठीक है, और इसको हम लोग वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें इनका होल्डिंग आप देख सकते हैं कब से है, मेट्रो ब्रांड्स में दिसंबर 2021 में इन्होंने होल्ड एंट्री किया था, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री किया था 430 के आसपास, एकदम लोएस्ट लेवल पे एंट्री किए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 11 है, ये तीन गुना पिछले 2-3 साल में पैसा बना लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम लोअर लेवल पे पकड़े हैं, एकदम हायर लेवल पे अभी कंपनी चल रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें क्रिसिल का, ठीक है, तो क्रिसिल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पैसा बनाना इसमें पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, बस आपको राइट गाइडेंस चाहिए और राइट इन रिसर्च चाहिए, ठीक है, राइट रिसर्च, राइट गाइडेंस, इसमें कंपनी और पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्री इनका देखिए, क्रिसिल में इनका एंट्री कब है, दिसंबर 2015 के भी पहले, ठीक है, हम लोग के पास डेटा 2015 के पहले का नहीं था, ठीक है, तो अगर हम 12 महीने पे चार्ट कर लेते हैं, ठीक है, देखिए 12 महीने पे अगर हम इसको चार्ट कर लेते हैं, एक महीना कर लेते हैं, 12 महीने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वन मंथ, ठीक है, तो वन मंथ पे भी अगर हम करेंगे 2015 से भी अगर हम लेंगे 2015 के आसपास भी, तो यहाँ पर वो 2015 में इनका प्राइस था 2000 के करीब, अभी प्राइस चल रहा है 3800 के करीब, ठीक है, तो उस प्राइस में भी काफी अच्छा, और इनका क्रिसिल में आई थिंक बहुत 2007-08 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि क्रिसिल का उस समय आई थिंक शेयर भी उन्होंने बेचा था, ठीक है, तो 2007-08 का अगर हम प्राइस देखेंगे, 2007-08 के पास प्राइस उनका 200 2007, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्राइस कितना था, 246 के आसपास, ठीक है, 2450 का अगर हम ले लेते हैं तो 250 से अभी देख सकते हैं 3852 के आसपास है, तो इन्होंने इतना मल्टीबैगर रिटर्न बनाया, तो आप भी मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं, आपको बस राइट रिसर्च का रिक्वायर्ड है, ठीक है, और राइट गाइडेंस का रिक्वायर्ड है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केट में लाइव भी आता हूँ डेली मॉर्निंग में 9 to 11 आपके साथ फर्स्ट ट्रेड और शेयर बाजार लाइव करने हैं,
और भी स्टॉक का रिसर्च देता हूँ, आईपीओ का रिसर्च देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा इस सीरीज में सुपरस्टार पोर्टफोलियो में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।